चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट बी है आपका कंपनीज एक्ट का, जो मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स का कंटेंट है। तो 15 से लेके 20 तक ये 6 चैप्टर्स टोटल 40 मार्क्स आपके लिए रहेंगे पेपर में, और अलग से पार्ट आता है तो पार्ट बी पूरा अलग ही होगा। तो 40 मार्क्स मतलब कन्फर्म है कि इसमें से पूछने ही वाले हैं। तो 6 चैप्टर्स में से 40 मार्क्स का वेटेज है तो आपको समझ आ ही रहा है कि इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पेजेस कम है लेकिन कंटेंट के हिसाब से वेटेज ज़्यादा रखा हुआ है, बट फिर टॉपिक्स टेक्निकल भी है तो ऐसा नहीं कि पेजेस कम है तो बहुत ही सिंपल हो गया। केसेस के फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। चलो पेजेस मत गिनो, पढ़ाना तो है ही ना, पढ़ना ही है, उसमें गिनना क्या है। पेज 290 पे आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, डायरेक्टर्स के बारे में बाकी की सारी टेक्निकल बातें, पूरा ब्लॉक उसी पे है। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में डायरेक्टर्स पे बात होगी। 17 चैप्टर जो है वो उनके रेम्यूनरेशन की बात करेगा, और 18 से लेकर 20 वाला ब्लॉक मीटिंग्स पे है। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और आजकल जो ट्रेंड है वर्चुअल मीटिंग, वो 3 टॉपिक्स उसके ऊपर रहेंगे। तो पहले अपने बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे बोर्ड के बारे में क्या बोला हुआ है। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पता नहीं, बिकॉज हमने थोड़ा बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में EET में भी पढ़ा था, उसी पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली अपने सेक्शन से शुरू करते हैं। सेक्शन 149 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कंपनी में और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इवन ये क्वांटिटी आपको पता है। अगर अपने कंपनी वाइज बात करें तो OPC में मिनिमम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3, ये आपने पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी एक कंपनी में हो सकते हैं 15, ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर 15 से ऊपर बढ़ाने हो तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी के ओनर्स ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए रेडी है तो फिर उस सिचुएशन में बाकी किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, कंपनीज एक्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट था, तो 149 में ये पॉइंट भी कवर हो गया आपका। इसके बाद बोल रहे हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, वो सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं, मतलब वो 15 की जो लिमिट है सेक्शन 8 कंपनी में बाय डिफॉल्ट वो लिमिट होती नहीं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन वाला पॉइंट आएगा नहीं, बाकी कंपनीज के लिए वो पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद 149 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस है कि जो भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं उसमें से एटलीस्ट 1 डायरेक्टर का इंडिया में स्टे करना जरूरी है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये नेसेसरी होगा, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है, तो कोई भी एक डायरेक्टर मतलब रेसिडेंट होना चाहिए इन शॉर्ट, वो ऐसा बोल रहे हैं, ये आप ध्यान रखो। उसके बाद एक प्रोविजो है सेक्शन 149 के रेफरेंस में बोला है, वुमन डायरेक्टर वाला कंसेप्ट लेके आए, कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है कंपनी में, इससे ज़्यादा आप अपॉइंट करो तो ठीक है, लेकिन हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी हो गया। उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं जिसमें पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, तो बोला पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्न ओवर 300 करोड़ है मिनिमम, तो ऐसी पब्लिक कंपनीज भले लिस्टेड ना हो लेकिन स्टिल वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। तो ये अच्छा है, एक एंट्री बैरियर खत्म हो जाता है, कंपलसरी है, एक बार आप अपॉइंट करोगे तो वो चीज़ कॉमन हो जाएगी, तो बाकी विमेन एम्प्लॉयज़ को भी ये मौका मिलेगा कि उनके मेरिट के बेस पे उनको वो पोस्ट दी जा सके, क्योंकि यूजुअली पास्ट में देखा गया कि थोड़ा मेल डोमिनेटिंग वो डायरेक्टर वाली साइड पे ज़्यादा होता था, और कितनी बार एलिजिबल कैंडिडेट्स को भी वो जेंडर बायस फेस करना पड़ता था, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे रखा। और ये भी अपना वो JJ ईरानी कमेटी का सजेशन था जिसपे पॉइंट इन्होंने एड ऑन किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात हो रही है। ये भी सेक्शन EET में आया था, बेसिक हमने वहाँ कवर किया हुआ था, मैंने कंपैरिजन भी कराया था कि पिछले टॉपिक में ये बोला कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। इस सेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जैसे आप या मैं एट ए टाइम कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं, तो दोनों सिचुएशंस एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि आप इंडिविजुअली एट ए टाइम 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, बट वो 20 में से जो पब्लिक कंपनी हो सकती है दैट इज मैक्सिमम 10, बाकी की जो कंपनीज है वो अदर कंपनी हो सकती है जैसे OPC या प्राइवेट या स्मॉल कंपनी, लेकिन 20 में से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10, बाकी की अदर कंपनीज, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इससे ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते। अगर कोई नई कंपनी में आपको डायरेक्टर बनना है तो फिर पुरानी किसी कंपनी से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तो टोटल काउंट 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हर डायरेक्टर के लिए DIN नंबर नेसेसरी हो गया है, ऑनलाइन MCA के पोर्टल पे इन्फॉर्म करना ROC को ज़रूरी हो गया है, तो ये चीज़ वेरीफाई करना कि आप एट अ टाइम आज कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो, ये वेरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, विदिन सेकेंड्स डेटाबेस में से पूरा अपडेट आ जाएगा। पहले फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो लोग ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर होते भी थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। ऑनलाइन डेटाबेस होने से अब ये चीटिंग करना या फ्रॉड करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। आगे सेक्शन 8 कंपनी की बात की है उन्होंने, जो 20 कंपनीज का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें एक तो बोला सेक्शन 8 कंपनी को आपको काउंट नहीं करना है, तो उसमें आप डायरेक्टर हो भी
और उसको मिला के 20 से ऊपर काउंट जाता भी है तो इट इज ओके, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में वो समाज सेवा वाली सिचुएशन आ गई ना, अलाउ कर दिया। इसके ऊपर एक टर्म था ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, ठीक है, ये सेक्शन है 161, उसका रेफरेंस है, आपको वहां पे सेक्शन नंबर लिखना है तो आप नोट कर लो, 161 सबसेक्शन 2, क्या बार बार लिखते जाओगे हर जगह तो याद हो जाएगा, और जब 161 पढ़ाऊंगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक होगा कि ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, एडिशनल डायरेक्टरशिप, ये सब चीजें होती है। ऑल्टरनेट मतलब आप किसी के बदले उसको रिप्लेस कर रहे हो टेम्पररीली, मेन डायरेक्टर नहीं है तो आप उसके बदले ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हो, तो बोला कि ये इंक्लूड होगा जब 20 कंपनीज की डायरेक्टरशिप आपकी काउंट करेंगे ना, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप विल बी काउंटेड एज वन, तो उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, तो ये आपकी एक जो एक यूनिट का एक क्वांटिटी है वो वहाँ पे काउंट कर लेगा कि हाँ यहाँ पे कंपनी में डायरेक्टर हो, भले टेम्पररी बेसिस पे, ये काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें बोला फिर आगे कि अगर ये जो 20 का काउंट है इसको कट डाउन करना हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ये हो सकता है। ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का एग्जाम्पल आप ले लो कि भाई एक्ट में लिखा है कि एट ए टाइम आप 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो, तो आपका इंडिविजुअल राइट है। हमारी कंपनी जो हमने स्टार्ट की तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था आर्टिकल्स में कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को डायरेक्टर रखेंगे जो ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनी में एट ए टाइम काम कर रहे हो, उससे ज्यादा कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना हमारे लिए वो एलिजिबल नहीं है, आप करो दूसरी कंपनीज में 20 कंपनी में काम करो, बट हम आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो उसका रीजन क्वालिटी के वजह से है कि 20-20 कंपनी में काम करते हैं फिर ये टाइम नहीं देते, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, तो पहले से हम उस चीज का लेसन लेते हुए कि रूल ही ऐसा बना दिया कि 5 से ऊपर अगर आप पोस्ट होल्ड कर रहे हो ना हमारे यहाँ अप्लाई करोगे तो भी हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप ये नहीं बोल सकते दिस इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट, ये एक डायरेक्टर के राइट के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का पावर कंपनी के पास है कि अपने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए वो रूल्स को और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, जितना एक्ट में लिखा है उसे ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, इससे वो बाकी कंपनीज का या एक्ट का कोई वायलेशन तो कर नहीं रहे, अपनी कंपनी के लिए रूल बना रहे तो ऐसा हो सकता है, तो ये चीज यहाँ पे करना अलाउड है, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं 20 कंपनीज का, बोले अगर आप डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो तो वो पोस्ट यहाँ पे काउंट नहीं होगी, भले आप उसमें डायरेक्टर रहो 20 में उसको काउंट नहीं करेंगे, कॉमन सेंस है ना, डोरमेंट कंपनी में कुछ काम ही नहीं होता, जब तक कंपनी डोरमेंट है तब तक तो उसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा है ना, तो टिल दैट टाइम आपकी वो डायरेक्टरशिप काउंट करके एक यूनिट क्यों वेस्ट करें, इससे तो बेटर है आप और कोई कंपनी में काम कर लो चलेगा, तो डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ओके। अच्छा, ये सब चीजों का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो फिर आपको पता ही है फाइन पेनल्टी 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक पर डे है ना, तो 25,000 तक तो आपने सोच लिया था कि भर देंगे, फिर आया पर डे है, बोले नहीं तो फिर, तो जैसे 21st कंपनी में आप अपॉइंट हो गए ना उस दिन से ये फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने दिन तक अपॉइंटेड रहोगे एट ए टाइम 21 कंपनीज में उतने दिन तक ये फाइन लगता रहेगा, तो फिर वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और कोई मैक्सिमम कैप भी नहीं है कि चलो 25,000 रुपए पर डे के हिसाब से ज्यादा 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो जितना होता जाएगा कॉन्ट्रावेंशन वो फाइन बढ़ता जाएगा और एक्चुअली में पे करना पड़ेगा, और ऐसे फाइन एक्चुअली में चार्ज होते भी हैं, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है। बीच में लास्ट 1-1.5 साल पहले का केस था, एक कंपनी जिनके ऊपर कंप्लायंस था कि उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहिए था, ये केस मीडिया में अवेलेबल है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, आप पढ़ना, ये न्यूज़ में भी आया था नेशनल टीवी पे सब जगह। तो उस कंपनी का डिफॉल्ट सिर्फ इतना था कि फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी उनके लिए रखना मैंडेटरी था और उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। जब ये नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू होता रहा, मैटर NCLT लेवल तक गया, वहाँ पे भी डिबेट हुआ, फाइनली डिसीजन आया कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी कितनी लगाई, 3.75 करोड़ रुपीज। सेक्रेटरी तो था ही नहीं, कोई सेक्रेटरी रखा ही नहीं, किस पे लगाएंगे, कंपनी पे पेनल्टी लगाई कि आपने फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखा, दैट इज अ नॉन कंप्लायंस, 4 करोड़ रुपए का फाइन उनको पे करना पड़ा। इतना तो पैकेज दे देते कंपनी सेक्रेटरी भी खुश हो जाता, ठीक है, अगर उसको एनुअल पैकेज 10 लाख का भी देते तो 4 करोड़ में उसका पूरा जीवन निकल जाता, ठीक है, लेकिन उसको अपॉइंट करने के बदले पैसे बचाने गए, सैलरी बचाने गए, लास्ट में नॉन कंप्लायंस जब हाथ में आया तो इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी बड़ी न्यूज थी कि 4 करोड़ पेनल्टी लगा दी कंपनी सेक्रेटरी ना अपॉइंट करने के चक्कर में। तो हर कंपनी जिनके ऊपर ये लायबिलिटी है उन्होंने फिर तुरंत एक्शन लिया होगा कि नहीं भाई इससे तो बेटर है कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लो, थोड़े ज्यादा पैसे मांगेगा तो भी खुशी खुशी दे देंगे, इतनी फाइन पे करने से तो अच्छा ही है, कोई सेंस नहीं है कि आप थोड़ा सा सैलरी बचाने के चक्कर में इतना फाइन पे करो। एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ना कि आई एक कंपनी ऐसी हाथ में, तो ऐसा फाइन लगाओ जो भी पावर्स में है कि नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी ऐसी गलती करने की हिम्मत ही ना करे। तो ये जो फाइन आपको दिख रहे हैं ना एक्चुअली में लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। नेक्स्ट आगे का पॉइंट देख लो, अब ये ना सेबी वाले भी आ गए बीच में, बोले कंपनीज एक्ट इतना कुछ सिखा रहा है, हम भी अब सेबी है, हमारे पास भी अब तो पावर है बहुत सारे, तो क्यों ना हम भी अपना कुछ रूल रेगुलेशन इम्पोज कर दे। तो यहाँ बोला सेबी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला
अब सेबी तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही अपना पावर दिखा सकती है, बाकी कंपनी वाले सुनेंगे नहीं, उनके लिए कंपनीज रूल्स है। तो लिस्टेड कंपनी को ऐसा बोल दिया कि ये एंट्री जो है इफेक्टिवली अप्लाई होगी 1 अप्रैल 2020 से, और बोला जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज हैं पूरी इंडिया में उनको एटलीस्ट 6 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब वैसे तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, 3 पब्लिक कंपनी के लिए 3, लेकिन सेबी क्या बोल रहा है 6। तो एज अ कंपनी आपको दोनों की बात माननी है, तो विच एवर इज हायर ही होने वाला है, क्योंकि 3 रखोगे तो सेबी वाले बोलेंगे हमारा नोटिफिकेशन आपने वायलेट कर दिया, इसकी पेनल्टी अलग से। तो क्योंकि ये कंपनी की कैटेगरी में आप आ रहे हो तो फिर 6 डायरेक्टर मिनिमम आपकी कंपनी में होने चाहिए। और 2000 लिस्टेड एंटिटीज में टॉप में कौन सी आती है वो कैसे पता चलेगा, तो बोला मार्केट कैपिटल के बेस पे। मार्केट कैप क्या होता है, आइडिया है आपको? सिंपल कैलकुलेशन होता है, कंपनी के जितने शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं, टोटल जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इनटू द करंट मार्केट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर दो आज का जो भी शेयर का रेट है वो। बट शेयर का रेट डेली फ्लक्चुएट होता है, तो टॉप 2000 में एंट्री एग्जिट तो चलता रहता होगा कंपनीज का। तो बोला इसकी रेफरेंस डेट फिक्स कर देते हैं ना, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च को जो भी शेयर का प्राइस था उस हिसाब से मार्केट कैप डिसाइड कर लेते हैं। तो फिक्स हो गई ना एक डेट और एक अमाउंट, तो फर्स्ट 2000 कंपनीज जो भी आ रही है अगर आप उस कैटेगरी में हो तो ये नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। वैसे बोले इससे ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं। आगे देखें, अब लिस्टेड एंटिटीज के बारे में वही डायरेक्टरशिप की बात हो रही है। बोला नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब आउटसाइडर्स टू द कंपनी, जैसे इंडिपेंडेंट नॉमिनी उस कैटेगरी के। एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं और शेयर होल्डिंग भी करते हैं, प्रमोटर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनके लिए बोला। बोला अगर उन्होंने 75 ईयर्स की एज अटेन कर ली है तो फिर ऐसे पर्सन को आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे आप कंटिन्यू मत करो क्योंकि एज फैक्टर आ गया। लेकिन फिर भी इसमें भी एक ऑप्शन रखा है, अगर कंपनी के मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को लगता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम अगर नहीं जुड़ेगा तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, तो आप उनको कंटिन्यू करवा सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद अपने पास ये ऑप्शन रहेगा। तो 75 ईयर्स की एज ऑब्वियसली रिटायरमेंट की एज से काफी ऊपर है, लेकिन स्टिल अलाउ किया। नेक्स्ट वापस एक नोटिफिकेशन का इफेक्ट आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 से टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज दे शैल एंश्योर दैट द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी शैल बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और दूसरा बोला नॉट बी रिलेटेड टू द एमडी और सीईओ एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव। ये सब पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं। फर्दर इट इज प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटीज विच डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स एज पर द शेयर होल्डिंग पैटर्न विद द स्टॉक एक्सचेंज। आइडेंटिफाइबल प्रमोटर क्या होता है वो भी समझ लो। आप कोई भी कंपनी के बारे में अगर सर्च करोगे, आप मनी कंट्रोल पे या किसी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें बताया होता है कि इस कंपनी के टोटल शेयर जो है वो कैसे डिवाइडेड है, रिटेल इन्वेस्टर के पास कितने, FII, DII मतलब म्यूचुअल फंड्स और आउटसाइड इन्वेस्टर्स के पास कितने, प्रमोटर होल्डिंग कितना। तो प्रमोटर होल्डिंग में प्रमोटर के नाम होते हैं कि ये पर्सन है जिसके पास इतने इतने शेयर है, वो आइडेंटिफाइबल हो गया, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन। जैसे रिलायंस में भी मुकेश अंबानी एंड फैमिली, तो फैमिली मेंबर्स के नाम के साथ भी रेशियो होता है कि इनका इतना इतना होल्डिंग है। अब कितनी एंटिटीज में क्या होता है, ऐसा कोई आइडेंटिफाइबल या इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है। अब गवर्नमेंट कंपनीज में कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, इट इज एन एंटिटी, और वो गवर्नमेंट में भी रूलिंग पार्टी चेंज होती रहेगी, तो उसको अपने फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि एग्जैक्टली कौन है। तो जहां आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है ही नहीं वहां पे वो ऊपर वाला पॉइंट फिर रिलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्लैरिफाई कर दिया कि उनको ये रूल फॉलो करने की नीड नहीं। टॉप 500 कंपनीज क्या होता है वो सेम है जो ऊपर 2000 वाले में देखा था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 179-180, इसके बारे में WET में सिर्फ रेफरेंस दिया था मैंने, लिस्ट नहीं पढ़ी थी हमने और लिस्ट यहाँ पे है। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने आपको बोला था कि पावर्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या डिसीजन मेकिंग पावर्स, दोज आर डिवाइडेड बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड को अपॉइंट ही शेयर होल्डर्स ने किया है, बट शेयर होल्डर्स ने उनको सारे पावर नहीं दिए, उतने ही दिए जितने उनको ठीक लगते हैं। अब वो पावर यहाँ पे 179 में है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट आस्किंग द शेयर होल्डर्स, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन इज इनफ। लेकिन जितने पावर उनको दिए बाकी के जो पावर्स हैं वो किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास। अब वो पावर्स अगर यूज करने हैं तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन, वो लिखा हुआ है सेक्शन 180 में। तो 179 बोर्ड को पावर्स देता है, 180 उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, और जहां उन पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है डिसीजन मेकिंग पावर शेयर होल्डर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो AGM EGM में फिर डिसाइड होगा उस बेस पे। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है। अब इस सेक्शन में कंसेप्चुअल इतना ही था जितना मैंने आपको बोला, ये लिस्ट में आपको टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बताए क्योंकि हमने आधा सब्जेक्ट पढ़ लिया है,
अब आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आएंगे जो प्रीवियस चैप्टर्स में कवर हुए, तो उतने आप रिलेट कर लोगे इनफ है, बाकी के भी सिलेबस एंड होते होते आपको पता चली जाएंगे। अब ये सेक्शन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, लिस्ट आ सकती है, तो इस लिस्ट में से आप जितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हो उतना अच्छा है, और ओवर द सब्जेक्ट आपको याद हो ही जाएगा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो 179 और 180 के लैंग्वेज आप रीड आउट कर लेना, डाउट्स है तो लेके आओ, कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा मैं रिलेट करा दूंगा, और जो आगे के चैप्टर्स में कवर होने वाला होगा मैं आपको नोट करा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एक ब्लॉक है छोटा सा, 181, 182 एंड 183, ये सब डोनेशन वाले सेक्शन है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहे चैरिटेबल फंड्स को, कोई और रिलीफ फंड्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को, कर सकती है या नहीं, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला जो है 181, दैट इज रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू बोनोफाइड चैरिटेबल फंड्स। बोनोफाइड का मतलब समझ रहे हो, जो लीगल है, रजिस्टर्ड है, तो इसलिए बोनोफाइड बोल रहे हैं। द पावर ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच फंड्स इज अवेलेबल टू द बोर्ड सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट्स। वो लिमिटेशन तो रहेगी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में से कितना पैसा आप इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज चैरिटी। फर्दर द प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड इफ सच कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट उसका 5%, अगर इतनी लिमिट तक कॉन्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा, अल्टीमेटली पैसा उनका है तो ये लोग कितना डिसीजन ले सकते हैं। तो एक लिमिट तक पावर देना पड़ता है क्योंकि चैरिटी नीडेड भी होती है, थोड़ा वो CSR और वो सब भी चीजें होती है, तो उस हिसाब से एक लिमिट तक अलाउ कर सकते हैं। 182 की बात करें, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्शन आते हैं तो ये सेक्शन याद आता है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ये करने पड़ते हैं, मन से कोई नहीं करता लेकिन करने पड़ते हैं, ये वो कैटेगरी है। लैंग्वेज देख लो क्या कर रहे हैं ये, अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, खुद को पहले अलग कर दिया, एंड अ कंपनी विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स मे कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो अपनी है, हम खुद ही ले लेंगे, उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा, जो कंपनी को अभी तक 3 साल हुए नहीं है ना, उन्होंने कुछ खास कमाया भी नहीं होगा, गवर्नमेंट को मालूम है कि इनसे क्या पैसे मांगेंगे, पहले कुछ कमाने तो फिर आगे इनसे चार्ज कर लेंगे, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग रहे। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में आप नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करो तो चलेगा, बाकी कंपनीज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। फर्दर द कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। ये दिखाने के लिए, ठीक है, कि जो व्हाइट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो ना वैसे ही देना, सेक्शन में लिखना पड़ता है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, बाकी जो कैश में हम मांग रहे हैं वो अपने अलग से बाहर बात कर लेंगे, उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतने में फिर इलेक्शन हो नहीं पाएगा। इलेक्शन जो है उसमें फंडिंग बहुत चाहिए होती है, और हाई बजट या हाई इन्वेस्टमेंट स्कीम है एक इलेक्शन करवाना, तो उसके लिए ये अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, उससे हम कितना ही पैसा मांग लेंगे। शेयर होल्डर्स भी तो ऑब्जेक्ट करेंगे कि सारा प्रॉफिट तो पॉलिटिकल पार्टी वाले ले जाते हैं, बोले इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो ये जितना व्हाइट में हो सकता है ना वो यहाँ पे लिखा है, बाकी की बात यहाँ नहीं कर सकते। आगे, फर्दर द लिमिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज 7.5%, और सीधा उसको उन्होंने कट कर दिया, बोले ऐसा नहीं होता है, 7.5% में हमारा काम नहीं चलेगा, तो ज़्यादा भी हम मांग सकते हैं। फिर देखो नीचे बोला है, फिनांस एक्ट 2017 अमेंडेड दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंगली द लिमिट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड हैज बीन रिमूव्ड, हेंस अ कंपनी नाउ कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी परसेंटेज विदाउट एनी लिमिट। समझ आया, तो वसूली का काम जो है वो अच्छे से आराम से हो सकता है। अब 7.5% का बहाना कंपनी नहीं बना सकती कि इससे ऊपर आप ही ने ना बोलिए, बोले हमने अब कुछ ना नहीं बोला, जितना आ सकता है आने दो, अब 7.5% हो, बीच में से डेसिमल हटाना है हटा दो, सारा पैसा हमें दे दो। समझ आया, तो इलेक्शन के टाइम पे वसूली करना अब लीगल हो गया है। अब इसमें अकाउंट पे चेक से कॉन्ट्रीब्यूट करो, परसेंटेज की लिमिट ही नहीं है, तो ये हम ब्लैक मनी कम करने के लिए तो कर रहे हैं। सरकार भी बोल सकती है ना कि देखो इससे क्या होगा, हम व्हाइट में आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे, कैश का बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा, तो ब्लैक मनी पे हम काम कर ही रहे हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑथोराइज बाई बोर्ड इन इट्स मीटिंग बाई रिजोल्यूशन। अब जब फोन आएगा तो कौन बोर्ड में से ना बोलेगा, तो देना ही पड़ता है, वो खुद ही बोल देते हैं इतने पैसे भिजवा देना। कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑथोराइज बाई बोर्ड इन इट्स मीटिंग बाई रिजोल्यूशन एंड सच रिजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी द जस्टिफिकेशन इन लॉ फॉर सच कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बाद में क्या है, बोलेंगे बोर्ड ने हाँ बोली ना, बोर्ड ने अप्रूव किया तो हमने पैसा लिया, हमने ऐसे कोई एक्सट्रॉशन मनी तो मांगा नहीं था कि आपको देना ही पड़ेगा, हमने तो बोला कि भाई पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो करो, सारे बोर्ड मेंबर्स ने साइन किया, रिजोल्यूशन पास किया और लीगली पेमेंट हुआ है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ब्लेम नहीं कर सकते कि जबरदस्ती हमसे पैसे मंगवाए, भले एक्चुअली में मंगवाए हो लेकिन सब काम लीगली हो रहा है, ताकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोई फॉल्ट ना दिखे और कोई ऐसे
फॉर्मल एप्लीकेशन तो आता नहीं पार्टी से कि इतने पैसे भेज दो, ये तो ऐसे ही दिखाते हैं कंपनी ने वॉलंटरीली डिसाइड किया है कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि आगे फिर इनकम टैक्स वालों की रेड ना पड़े। आगे द डोनेशन में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चलो वो भी ठीक है, इतना तो मान रहे। कॉन्ट्रीब्यूशन सो मेड इफ और लाइकली टू अफेक्ट द पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पोलिटिकल पार्टी इज डीम टू बी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पोलिटिकल पर्पज, ये इनडायरेक्ट हो गया। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करने का दूसरा तरीका क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, या तो उनको डायरेक्ट पैसे दे दो, या उनकी मार्केटिंग कर दो, बैनर लगवा दो, होर्डिंग लगवा दो, टीवी पे ऐड चला दो, उनका डिजिटल मार्केटिंग का आप फंडिंग कर दो, तो ये भी तो एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया ना कॉन्ट्रीब्यूट करने का। तो आप किसी भी तरीके से ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो है। तो इनडायरेक्ट वाले पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये फिर डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते ना, ये अपना काम करवा लेते कि इतना काम करके दे देना, हो गया आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन, बैनर प्रिंट करवाने हैं, ये करवाना है, वो करवाना है, उसमें जो पैसा लग रहा है ना हम पैसा नहीं देंगे, आप प्रिंट करके भेज देना, तो हो गया अपना। तो जो कंपनी जिस बिजनेस में है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करके वो हमें पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट दे सकती है उससे वो करवा लो। डिजिटल मार्केटिंग वाली कोई कंपनी होगी, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी होगी, उसको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग करो हर जगह सोशल मीडिया में, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, वही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी पब्लिकेशन, आ गया ना ब्रोशर, पैम्फलेट एट्सेट्रा, और द लाइक इज डीम्ड एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली वही हो गया ना, पार्टी का प्रमोशन कर रहे हो आप। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, वो तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 182 वाले सेक्शन में परसेंटेज की लिमिट हटा दिए, ये ध्यान रखना। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, वो तो आपको याद रहे तो अच्छी बात है। और लास्ट है इस ब्लॉक में 183, पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड एट्सेट्रा। अब देखो ये सब काम के लिए भी तो कॉन्ट्रीब्यूट करना अलाउ करना ही पड़ेगा। नेशनल डिफेंस फंड और ये सब आर्मी और इन सब के लिए, जो आर्म फोर्सेज है, डिफेंस के लिए फंड यूज होता है, आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम है, ये भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देना। तो तीनों सेक्शंस एक ही ब्लॉक पे है, 181, 183 कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये एक साथ आप याद रख सकते हो, नंबर के साथ याद हो जाएंगे। बस इतना इनफ है, फिर बोर्ड कमिटीज नया टॉपिक है, कल से देखेंगे।